नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटेंट सेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं कौशलेंद्र। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ से हमारे सहयोगी ने बात किया है कि इस योग क्या है, और इस योग पर एक्सक्लूसिव बातचीत डॉक्टर अनिल सुलभ के साथ। देखिए हमारे सहयोगी सिप्रा जमुआर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि इस योग क्या है। इस योग एक सूक्ष्म आंतरिक साधना पद्धति है। ये हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव महात्मा सुशील कुमार जी और सद्गुरु माँ विजया जी ने पूरे विश्व मानवता के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, एक लोक मंगल के लिए, रोग मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सहज सरल साधना पद्धति विकसित की। एक आंतरिक साधना है और इसमें सद्गुरु के कृपा से, सद्गुरु के आशीर्वाद से, उनके द्वारा शक्तिपात दीक्षा देने के पश्चात से आरंभ की जाने वाली ये पद्धति है। बिल्कुल आडंबर रहित, कोई भी आडंबर नहीं है, कोई उसमें पूर्व की तैयारी भी नहीं है। यह बल देता है मन और आत्मा की शुद्धि पर, मन की शक्तियों के उन्नयन पर, क्योंकि जो शक्तियां हैं वह मनुष्य की मन की होती है। इसीलिए बड़े जितने भी काम होते हैं और हुए हैं संसार में, वे सब मन की शक्तियों से हुए, मन के संकल्प से हुए हैं। तो मन दृढ़ हो, मन संकल्पित हो, मन विकार रहित हो, राग द्वेष से मुक्त हो जाए, स्थिर हो जाए, चित्त स्थिर हो जाए, चित्त शांत हो जाए, इसका ये मार्ग प्रशस्त करती है ये साधना पद्धति। इस योग शक्तिपात दीक्षा क्यों दिलाई? निश्चय मैंने आपको आरंभ में बताया कि इस योग की जो साधना पद्धति है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, आंतरिक है और सूक्ष्म है, इस हेतु यह आवश्यक है कि एक सक्षम सद्गुरु उसे शक्ति प्रदान करे, इस साधना करने की शक्ति। और वास्तव में शक्तिपात दीक्षा मनुष्य के भीतर, उसके अंतर में स्थित उसकी आध्यात्मिक शक्ति का जागरण है। योग की भाषा में जिसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो एक सक्षम सद्गुरु जिनकी कुंडलिनी शक्ति स्वयं जागृत हो, जिसने उस परम चेतना को अनुभव किया हो, प्राप्त किया हो, स्वयं को पहचाना हो, स्वयं को जाना हो, और इतने शक्तिमान हो कि दूसरे की बुझे दिए को भी जला सकते, तो ऐसे ही सक्षम सद्गुरु ये अपनी आंतरिक शक्ति से वह शक्ति प्रदान करते हैं। उसके लिए एक विधिवत आयोजन होता है। इसीलिए इस योग में शक्तिपात दीक्षा के कार्यक्रम का आयोजन होता है, और उसमें जो भी व्यक्ति, जो भी जिज्ञासु, जो अपनी आध्यात्मिक चेतना का उन्नयन चाहते हैं, जो स्वयं को जानना चाहते हैं, जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, वे आते हैं और उन्हें सद्गुरु गुरु माँ के द्वारा एक कुछ निश्चित प्रक्रिया बताते हुए उन्हें साधना की अवस्था में वो शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके बाद आगे से वो उसी प्राप्त शक्ति के कारण एक नवजिज्ञासु दीक्षित साधक साधना की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है और अपनी आंतरिक शक्तियों को निरंतर विकास करता रहता है। उद्देश्य क्या है? इस योग का उद्देश्य है वे मानव जो तीनों प्रकार के तापों से दुखी हैं। आज पूरा संसार किसी न किसी कारण से दुखी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने को कहे कि मैं सर्वथा सुखी हूँ। हो सकता है कि कोई बड़े महलों में रहता हो, बड़ी गाड़ियों में चढ़ता हो, वायुयान से यात्राएं करता हो, सारी सुख सुविधाएँ, भौतिक सुख सुविधाएँ उनको उपलब्ध हो, फिर भी वो सुखी नहीं है।
वो आनंद में नहीं है, उनमें उन्हें भी कोई ना कोई दुख पकड़ा हुआ है। तो जो दुख है, उस दुख से मुक्ति के लिए और स्वयं को पहचानने के लिए कि मनुष्य है क्या, उसकी वह क्यों, उसका जन्म क्यों हुआ है, वो केवल घटना मात्र है या इसका कोई उद्देश्य है, तो उस परम चेतना को समझने के लिए और संसार दुख से मुक्ति प्राप्त करे और वो अपने स्वयं के अभ्यास से प्राप्त करे, किसी से प्राप्त, किसी अन्य से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, गुरु की कृपा प्राप्त हो गई, गुरु की शक्ति एक बार प्राप्त हो गई, उसके बाद उनके गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हुए और अपनी वो जो प्रक्रिया बताई गई है साधना की, उस प्रक्रिया से निरंतर जुड़े रहे तो बहुत गुणात्मक अलौकिक आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये उद्देश्य है कि गोरी मानवता, जिसके बारे में भारत ने बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले कहा, संपूर्ण वसुधा एक है, वसुधैव कुटुंबकम, और कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो हमारा आर्ष वाक्य है, आर्ष चेतना है कि हम सबको, संसार के हर प्राणी को, हर मनुष्य को सुखी देखना चाहते हैं, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों और सभी लोग ये देखते रहें कि कोई दुखी न हो, इसका ध्यान रखें कि कोई भी दुखी न रहे, उसी परम चेतनायुक्त विचार की पूर्ति के लिए इस योग की स्थापना भी हुई है। और हमारे परम आराध्य सद्गुरुदेव जो अब देह में नहीं है, वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन वो बराबर अपने